विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा अब लोकसभा में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, जिसके चलते प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। संकल्प यात्रा बुधवार को देर रात दतिया पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मध्य प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मैदान संभाल लिया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूलकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश भरने के लिए संकल्प यात्रा पर निकले हैं। बुधवार रात प्रदेश के दतिया पहुंची संकल्प यात्रा की अगवानी पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। खुली जीप पर सवार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह टाउन हॉल से किला चौक पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। किला चौक पर शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह का पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफी का वचन दिया था, लेकिन आज तक प्रदेश के एक भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आम जनता से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बसपा बसपा सपा, ये भी वो, ये कहीं कीट कहीं करोड़ा, कमलनाथ ने कुनवा जोड़ा, पता मिल के सीट कम मिली, लेकिन चिंता मुझे नहीं। उस समय चाहते तो हम भी बना बनते, लेकिन हम कभी 114 तो इनको भी देख लो, बड़े बड़े वादे करके आए। चलो आपको याद दिलाना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा जी भी यहां बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना हमने ग्वालियर में बैठक बुलाई, पुलिस के अफसरों को मैंने साफ कहा था, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते चाहिए। और आप गवाह हैं, 13 साल पहले देख लो, एक से एक बड़े बड़े ग्रोह पे या तो मार दिए गए या जेलों में पहुंच गए या मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ के मध्य प्रदेश के बाहर चले गए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, जिसके चलते प्रदेश में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव की हार को भूलकर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया जा सके। INC24 न्यूज के लिए दतिया से हनीफ खान की रिपोर्ट।